मैंने मसाला बना लिया है और अब इसमें डालने लगी हुई है चार गोश्त, जितनी की हमें ज़रूरत है उतना मैंने डाल दिया है। और साथ ही मैं आटा भी गूंदने लगी हूँ। ये हमारा किलो गोश्त है, ये डालने लगी हूँ। तो फिर मैंने गोश्त डाल दिया, मेरे को चिकन में डाल दिया, अब मैं साथ साथ आटा गूंदने लगी हूँ। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। शाम का ब्लॉग शुरू करते हैं आज की शाम की रोटी, शाम का खाना बना रही हूँ। तो नीचे गति रखी रातों वाली हमारी गति इसकी नीचे रख लेती हूँ, इसके मैं प्रभाती हूँ उससे आगे पीछे होती। ये मैं आटा गूंद रही हूँ जल्दी जल्दी कर रही हूँ, मेरा काफ़ी हो गया। दूध मैंने पहले गर्म ही कर लिया है क्योंकि गैस चली जाती है तो जूस बनाना होता है रात को। और इतनी गर्मी है आप देख सकते हैं कि ये देखिए कितना सीन आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और इतनी लाइट तंग कर रही है ना बहुत ज़्यादा। तो बारिश भी नहीं हो रही और ना हवा चल रही है, ऊपर से लाइट इतना तंग कर रही है, तो बहुत बुरा हाल किया हुआ है गर्मी में। तो हम सोच रहे हैं कि जो सोलर वाला एयर कूलर नहीं है वो लेकर आ जाएं, क्योंकि लेयर चली जाती है तो फैन से सारा दिन इतनी गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से ना हमने सोचा कि एयर कूलर ही होता वो सोलर वाला, तो वो ले आएँ। देखो कब लेके आते हैं, आपको पता ईद भी आ रही है, ईद के कपड़े भी बनाने हैं, कुर्बानी का भी कुछ सोचना है। तो कूलर पंखा देखो कब लेके आते हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो बानों को चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, और फैमिली मेम्बर के साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और फैंसी यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है ना तो वह हम दे रहा है, इस वजह से सही से क्लियर नहीं नज़र आ रहा। और बच्चे अभी तक ट्यूशन में हैं क्योंकि अभी उन्हें छुट्टी नहीं हुई। जल्दी फैंस इस वजह से हैं क्योंकि हमारी 8 बजे गैस चली जाती है रात को, तो रात को काफ़ी लेट हो गए थे, सब्ज़ी वो ले रात को लेट लेकर आए थे, तो फिर चाय लेट बनी तो फिर गैस चली गई थी। बहुत मुश्किल से हमने रात को फिर चाय बना के पी, तो आज हमने कहा चलो जूस बनाना है, चाय नहीं पीनी, पहले ही बहुत ज़्यादा इतनी गर्मी है, तो जिसकी वजह से मैंने दूध पहले ही बॉइल करके रख लिया। दोपहर को पराठे बनाए थे, बच्चों ने खाए ही नहीं हैं, सुबह मैंने बना के रख दिए थे, बच्चों ने नहीं खाए, तो ये टुकड़ों में जाएंगे और ये जो है कच्चा ऊपर लेके जा रही हूँ, शाम काफ़ी हो रही है और मानों पर बिस्तर लेके जा रही है। चार पहले हम सही करने लगे आएंगे देखे, और वो भट्टा चल रहा है और ठंडी, और जो कचरा है इधर हमें बास्केट में डाल देती है, ये रोटी मैंने इधर रख देती हूँ क्योंकि सुबह अबू जी डेरे ले जाएंगे, अबू जी को दे दूँगी। तो वो फ्रेंड हमारे चार पाई हैं वो मैं सीधी करने लगी हूँ, ये देखिए ये हमारी चार पाई हैं, दोपहर को हम इधर ही रख देते हैं, और वो हमारे बिस्तरे हैं। और मौसम चेक करें, वो देखिए पहले से इतनी ज़्यादा गर्मी और भट्टे की वजह से बहुत ज़्यादा और गर्मी हो रही है। तो फ्रेंड्स मैं ये चार पहले निकालने लगी हूँ और आज आपके साथ शाम की रूटीन शेयर कर रही हूँ, इस तरह हम कर सकते हैं। तो ये चार पहले निकाल
बच्चे रात को खींच ले लेते हैं लेकिन मैं नहीं लेती, गर्मी बहुत ज्यादा है ना। तो फ्रेंड्स हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो गया, तो मैं रोटी बनाने लगी हूँ जल्दी जल्दी गैस की। रोटियां बनाते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तो अभी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है।